नमस्कार दोस्तों, आप ही के चैनल में माधव ऑटो ज्ञान में स्वागत करते हैं। आज आइसर मोटर्स की इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस पूल के साथ में हॉली पे लॉन्च की गई है दिल्ली नोएडा 2023 के अंदर। आइए इसके फ्रंट से लुक से हम बात करते हैं। यहाँ पे आपको एलईडी लाइट के ऑप्शन, दो हेलोजन बल्ब और नीचे आपको फॉग लैंप जैसी ऑप्शन के साथ में दी गई है ये लग्जरी बस। और इसके अंदर आपको यहाँ पे आइसर का लोगो देखने को मिलेगा। और इसकी बात कर लेते हैं, जो इलेक्ट्रिक बस है तो इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी फैसिलिटी को इंक्लूड किया गया है। और हाइड्रोजन जो फ्यूल है उस टाइप में यहाँ पे इसका कलर ऑप्शंस के साथ में इस बस को लॉन्च किया गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी बस है। और इसकी जो हाइट की बात करते हैं तो 13.5 मीटर की लंबाई है इसके अंदर एमएम के साथ में। इस बस की काफ़ी हैवी एंड चैचिस की लंबाई है। और यहाँ पे आपको डोर के अंदर से चलते हैं तो आप देख सकते हैं काफ़ी लग्जरी फीलिंग वाली बस है। इसके अंदर आपको डिस्क ब्रेक मिलने वाले हैं फ्रंट टायर्स के अंदर। ये एडवांस फीचर्स आइसर मोटर्स ने अपने इस व्हीकल्स के अंदर इलेक्ट्रिक बस के अंदर डाला गया है। और ये इंटरसिटी बस देख सकते हैं आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ में। इसके फीचर्स की बात करते हैं तो काफ़ी लंबी जो चेचिस बताई है हमने यहाँ पे 13.5 mm का काफ़ी लंबा चेचिस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कम से कम आपको 7 सुविधाएं ऐसी मिलने वाली है जो एडवांस फीचर्स वाली आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे होंगे। और यहाँ पे आपको मिलने वाला है जो टॉप स्पीड की बात करते हैं, ये 3 सेकेंड्स के अंदर स्पीड प्रदान करती है। और उसकी बैटरी कैपेसिटी की बात करते हैं तो 396 kW के एच के साथ में दिया गया है। यहाँ पे आप इंटरसिटी इंटरसिटी जो बस है और यहाँ पे इंटीरियर के अंदर भी आपको तमाम सारे ऐसे फीचर्स दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग मोड़ के अलग अलग स्विचेस दिए रखे हैं जिसके द्वारा ये बस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली बस चलेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं POP को काफी लाइट को POP जैसी सजाई गई है। सीटें के नीचे LED लाइट के ऑप्शंस में काफी खूबसूरत इस बस को देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बैठने के लिए जो सुविधाएं हैं सीट के अंदर क्या क्या फीचर्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप खाना वगैरह रख सकते हैं। नीचे आप अपने दोनों पैरों को आप लंबा करके आराम से यहाँ कंफर्टेबल सो सकते हैं इस बस के अंदर ये फीचर्स है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको मोबाइल चार्ज करने के ऑप्शंस मतलब केबल्स लगा सकते हैं जिससे आप इसका आनंद और भी ज़्यादा उठा सकते हैं। इस हैंडल को आप ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं अपने कट हाटी के हिसाब से। तो काफ़ी कुशिंग वाली लेदर्स वाली जो बस बनी है। एग्जिट गियर भी इसके पीछे दिया गया है, एग्जिट गियर्स जो एमरजेंसी में वर्क करेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आइसर मोटर्स ने काफ़ी सारी एसी कंडीशन वाली बस को बनाया गया है। और इसकी हाइट की बात करते हैं बस की तो 3800 हाइट इसकी कंफर्टेबल बनाई गई है। और इसके अंदर आपको एसी कूलिंग के साथ में इसमें लुब्रिकेट दिया गया है। और तमाम सारे ऐसे लगेज वगैरह भी आप रख सकते हैं नीचे ऊपर, काफ़ी कंफर्टेबल के साथ में बनाया गया है। और इसके अंदर जो और भी सेटिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको लाइट वगैरह, फ्लोरिंग, एसी का ऑप्शंस वगैरह, लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी लंबाई है, इसके अंदर भी फ्लोरिंग चलेगी जब कूलिंग के लिए। और यहाँ पे आपको एग्जिट गेट दिया गया है जिसके द्वारा आपातकाल में आप यहाँ से एग्जिट हो सकते हैं। काफ़ी फैसिलिटी के साथ में बनाया गया है आइसर मोटर्स का ये इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला जो बस है। और यहाँ पे आप उम्मीद करते हैं दोस्तों कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ को हमने इंक्लूड करके यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे साइड से भी प्रोफाइल में तो इंडिकेटर जैसी सुविधाएँ दे रखी है। इसमें आपको एल्युमिनियम डिस्क वाली जो हॉली में न्यू एडवांस फीचर्स के साथ में बनाई गई है ये बस, आप देख सकते हैं इसकी काफ़ी फिनिशिंग है। मतलब इसको इलेक्ट्रिक बसों को काफ़ी थोड़ा सा वेट कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एल्युमिनियम का यूज़ किया गया है टायर्स के अंदर। और काफ़ी सारे लगेज वगैरह आप इसके अंदर भी लगेज कर सकते हैं अंदर नीचे के ऑप्शंस में। फ्रंट में भी आपको एल्युमिनियम डिस्क मिलेगी और इसके अंदर आपको 10 नट मिलने वाला है जिसके द्वारा ये टॉर्क अच्छा खासा प्रदान करता है। तो गाइस ये एक बार चार्ज होने पे 380 किलोमीटर चलेगी और 35 सीटर के साथ में दी गई है एक प्लस ड्राइवर।